नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचल। तो आइए देखते हैं बॉलीवुड जगत की कुछ खास खबरें। परिणीति राघव ने कैंसिल किया अपना हनीमून, इस वजह से कपल ने लिया ये फैसला। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा आप सांसद राघव चड्ढा संग शादी के बंधन में बन गई है। हर तरफ बस इसी जोड़ी की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर भी कपल की शादी की फोटोज और वीडियोस छाई हुई है, लेकिन अब हर तरफ ये जानने के लिए उत्सुक है कि कपल हनीमून पर कब और कहां जा रहे हैं। वही इस बीच हनीमून से जुड़ी एक अपडेट सामने आई है। हनीमून पर कब जाएंगे परिणीति राघव? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिणीति और राघव ने अभी तक अपनी हनीमून की प्लानिंग नहीं की है। खबरें हैं कि दोनों इसे स्किप करने वाले हैं। फिलहाल परिणीति और राघव अपने इस फेज को थोड़ा डिले कर रहे हैं और अपने काम पर वापस लौटने वाले हैं। दरअसल परिणीति अपनी अपकमिंग फिल्म मिशन राजनीगंज के प्रमोशन में लगने वाली है, वहीं राघव संसद के शीतकालीन सत्र के लिए तैयारी में लगने वाले हैं। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। क्या सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट चलाते हैं रणवीर? आलिया भट्ट ने बर्थडे विश कर खोला राज। बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर आज अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज का दिन एक्टर के लिए बेहद खास है, क्योंकि बर्थडे के साथ ही उनकी मोस्ट एविटेटेड फिल्म एनिमल का ट्रेजर भी रिलीज हो गया है, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इस बीच पत्नी आलिया भट्ट ने भी रणवीर को एक बेहद खूबसूरत पोस्ट लिख जन्मदिन की बधाई दी है, जिसके साथ ही एक्ट्रेस ने रणवीर कपूर का एक राज भी खोल दिया है। आलिया भट्ट पति को यू किया बर्थडे विश। सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो आलिया भट्ट ने पति रणवीर कपूर के साथ बर्थडे विश करते हुए फोटो की सीरीज पोस्ट की है। इस फोटोज में वह पति संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आ रही है। पहली फोटो वह रणवीर को किस करती दिख रही है, वहीं दूसरी फोटो में दोनों स्टेडियम में मैच खेलते दिख रहे हैं। इसके अलावा आलिया ने रणवीर का दुल्हा लुक भी शेयर किया है। वहीं इन फोटो में एक फोटो उनकी मेहंदी सेरेमनी की भी है। आलिया ने कैप्शन में लिखा कि रणवीर का राज। अब इन फोटो को शेयर करते हुए आलिया ने कैप्शन में भी लिखा जो सबका ध्यान खींच रहा है। दरअसल आलिया ने इस कैप्शन में एक्टर का एक राज खोल दिया है। आलिया ने लिखा कि माय लव, माय बेस्ट फ्रेंड, मुझे सबसे खुशी देने वाले शख्स, जैसे कि आप मेरे बगल में बैठकर अपने सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट से इसे कैप्शन को पढ़ेंगे, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हैप्पी बर्थडे। हर चीज़ को मैजिकल बना दिया है। सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट रखते हैं रणवीर। बता दें कि आलिया ने अपने कैप्शन में रणवीर के सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट के होने का राज खोल दिया है। रणवीर कपूर ने ऐसे एक्टर है जो इंस्टाग्राम पर नहीं है, लेकिन कई बार एक्टर ये बात बता चुके हैं कि वह एक सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट रखते हैं, जिससे वह हर चीज़ का अपडेट लेते रहते हैं। अब आलिया ने यह जानबूझकर किया है कि जान जानकर ये तो वही बता सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गदर में गोविंदा को कास्ट करने पर अनिल शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले ये फिल्म हमेशा से सनी के लिए है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों अपने फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में है। उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है। अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अब तक 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और फिल्म की कमाई अभी भी जारी है। एक तरफ जहां फिल्म अपने धुआंधार कलेक्शन को लेकर सुर्खियां बटोर रही है, वहीं दूसरी तरफ निर्देशन अनिल शर्मा पर टीम में गोविंदा को कास्ट करने के लिए आरोप भी लगा चुके हैं। अब अनिल शर्मा ने इस मुद्दे पर सफाई दी है। गदर में गोविंदा को कास्ट करने पर अनिल शर्मा ने दी सफाई। निर्देशन अनिल शर्मा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि गोविंदा ने शायद वर्षों पहले पहली गदर फिल्म के बारे में हुई बातचीत को गलत समझा था। इसी वजह से अभिनेता को विश्वास हो गया कि यह उन्हें ऑफर की जा रही है। इस इंटरव्यू में फिल्म निर्माता ने यह भी कहा कि गोविंदा के साथ उनकी बातचीत के पहले ही सनी देओल को इस भूमिका के लिए साइन और सेल कर दिया था। निर्देशक बोले, यह फिल्म हमेशा से ही सनी के लिए थी। अनिल शर्मा ने कहा, उस भूमिका में गोविंदा कैसे हो सकते हैं, यह फिल्म हमेशा से ही सनी के लिए बनी थी। उन्होंने आगे कहा कि बेचारे उन्होंने नहीं याद रहा होगा, मैं उनके साथ किसी चीज पर काम कर रहा था। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास सनी देओल के लिए एक कहानी है। उन्होंने मुझसे पूछा कि यह क्या है और मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि यह अच्छा है कि मैं सनी के पास गया, क्योंकि वह कभी भी फिल्म नहीं कर सकते थे।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV आप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।